मेरी प्लेट है क्योंकि मेरे को खानी है। दूध का गिलास। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अब जाके उठी हूँ बस सो के, क्योंकि सुबह तो 3 बजे उठ गई थी मैं, ठीक है। और अभी धूप पड़ी थी मस्त, देखो सीधे रूम के अंदर मस्त वाइब आती भाई। एंड यस वन मोर थिंग, ये देखो बैक की मैंने बहुत ज़्यादा सही लगाई, बट फ्रंट की थोड़ी ही जैसे गड़बड़ हो गई आई गेस, बाकी बहुत अच्छा है। मम्मी भी यहीं पे सोए हुए साथ में, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल वुमन जो भी रख रहे हैं भाई। अभी मैं लेंटर के ऊपर आ गई थी बाहर बैठने के लिए, और मैंने अपने पैरों में भी दोनों में मेहंदी लगा ली है, बोर हो रही थी मैं, सोचा सुबह उठ के करूँ तो करूँ क्या सबसे पहले, फिर मैंने मेहंदी पैर में लगाना स्टार्ट कर दिया। इवन मैंने साथ में लगाई नहीं, ये ना रोहित ने लगाई कल पकौड़े मस्त वाले, वो बस यही साथ में मैंने ऐसे भी लगानी थी क्योंकि मेरे ऑलरेडी यहाँ पे ना थोड़ी सी एलर्जी है मेरे को, एंड आज मौसम इतना अच्छा। और तुम लोग सोच रहे हो कि मैं तैयार क्यों नहीं हो रही हूँ, मैं होंगी तैयार बट जब मैं शाम को घर जाऊँगी तब। अभी हम जाएंगे घर एटलीस्ट 4 or 5 o'clock, क्योंकि नानी वगैरह जब दुकान से वापस घर आ जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे घर को, क्योंकि मामू के पास फिर कोई नहीं होता, तो मामू के ध्यान रखने के लिए हमको यहाँ पर रहना पड़ेगा, और फिर उसी टाइम में तैयार भी हो जाऊँगी। एंड हाँ, मेरे को ना एक कमेंट आया था कि आप बदा जाओ और जो विलेज है बदा विलेज वहाँ के बारे में ब्लॉग बनाओ, तो आई एम रियली रियली सॉरी बिकॉज, क्योंकि मैंने बदा नाम सुना है बट मैं कभी गई नहीं और मेरे को पता भी नहीं है, और मेरे वहाँ टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है क्योंकि मैंने घर जाना, घर से फिर मैंने वापस रोहित के वहाँ पर भी जाना है, मतलब ससुराल मायका हुआ नहीं छोड़ा ना, हाँ ससुराल जाना फिर मेरे को, और तब करके यार, और इन फ्यूचर अगर मेरे को मिलता है मौका तो मैं पक्का जाऊंगी, बट स्टिल अभी तो नहीं, इसके लिए सॉरी। एंड क्या, एंड कुछ भी नहीं गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर एक, मम्मी ऊपर से मेरे को केले के छिलके दे रही क्योंकि यहाँ पे टीम मिल गए 2 केले मेरे को, 4 बजे मेरा मन भी कर रहा मेरा मन भी कर रहा है केले खाने का। आई एम ऑल्सो क्रेविंग। अब 1 बजे और हमको ना एटलीस्ट हम जाएंगे यहाँ से 3, 4, 5 बजे निकलेंगे, 4, 4:30 रख लो। मम्मी वो बड़ा बैग ले गया ऊपर को, लाया कहाँ रखा वो, हे भगवान बैग ऊपर, मतलब ये हमारी है स्वागिया मतलब, और छन्नी एंड करवा और पता नहीं क्या क्या होगा, इनको बताती हूँ मैं ऊपर अभी तुम लोगों को, ठीक है। क्या क्या लिया है मतलब क्या क्या करते हैं वो बताती हूँ मैं अभी, तो अभी मैं बताती हूँ। ये रहा बैग, तो मैं इसमें बताती हूँ क्या क्या है। वो माता वाली स्वागिया रखना लग गई जो मेरी, इसमें माता वाली देख, तो ये करवा है मेरा और मम्मी का सेम है, तो ये एक बता रही मैं तुम लोगों को, ठीक है। ये
ये दो स्वागी हमने ना पहले नानी को बोला था कि दूसरे वाले जिसमें गोटा लगा था वो लाने के लिए, बट नानी ने कहा वो उतनी भी अच्छी नहीं है, तो नानी ने वहाँ को प्लेन लाई। मैं कहती काम आ जाएगी वरना आटा छानने के एंड में आती है ना काम। और ये है पूजा की किताब, ये लाई तेरे लिए स्पेशल मेरे लिए। वो क्यों? मेरे को तो पता भी नहीं इसका क्या करना है, पढ़नी है और क्या करना। तो ये सुहागी है हमारे पास। मेरा पर्स कहाँ है बेबी? बैग के अंदर पता नहीं कहाँ है यार, इसमें दिखने नहीं। अब मैं तुम लोगों को सबसे बेस्ट वाली सुहागी बताती हूँ, ठीक है? अभी यहाँ कहीं देखी थी मैंने, ये वाली लाई ना, ये मिली है ना माता के लिए, पता नहीं किसके लिए पैसे दे दिए। ये वाली है जिसमें, ये वाली स्वागी में ना पता क्या चीज़ है, इसमें लिपस्टिक भी बड़े वाली है और नेल पेंट भी है, काजल और सिंदूर तो चलो है। ऐसे नहीं, ऐसे करके बताते हैं, ये देखो लिखे हुए हैं, ये देख ठीक है ये वाली। बाकी जो है ना बाकी सिंपल है, ये इनमें भी सब कुछ है सिवाय इसमें, पता क्या सीन है इसमें, ये नहीं है लिपस्टिक नहीं है और नेल पेंट नहीं है, बाकी सब कुछ है इसमें, बट इसका छोटा वर्जन है ये। एक दो बाकी चार, कितनी है मेरी? चार है मेरी, है ना चार मेरी है ना, मेरी है दो माता वाली पर एक साइड। ये रहा मेरा स्वागी का, मैं पर से ना खून पहुँच गई चल बांध कर। तो मेरे को ये भी नहीं पता कि मैंने किस किस को देनी है, मेरे को ये एक तो मम्मी को, एक माता को, एक मम्मी को, एक नब्बू है, हाँ एक दी को, चार ही हो गया, एक दो तीन चार है ना मेरी, ये वाली दी मैं माता को। गाइस अभी ना अभी कितने बज रहे हैं? 2 बज गए हैं और बंधु वगैरह को हमने बोला था कि भाई 3-4 बजे पहुंचना, पर उन्होंने तो बोला हमको कि 5 बजे आएंगे वो। देखो मम्मी बोले पैर धो रही है, कैसे धो रही है, कैसे पैर थे? ये देख लो मम्मी नीचे पैर धोने का गेड़ा दिया है, क्योंकि यहाँ पे नानी के घर में पता क्या सीन है, नीचे मिट्टी की लिपाई की हुई है और हम नंगे पैर यहाँ इधर उधर चले होते हैं बहुत ज़्यादा, नंगे पैर में लिटरली चप्पल लगा नहीं है आपको पता, ठीक है? तो हमारे पैर गंदे हो ही जाते हैं, मिट्टी लगी हुई है मेरे, इवन मेरे पैरों में भी लगी होगी मिट्टी। एंड सबसे मेन बात पता क्या है, मौसम ख़राब हो गया, मैं बताती हूँ दिखा होगा तो शायद पता नहीं, ठीक है मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया। और अभी रोहित को मैंने कॉल की थी कि भाई ऊपर आ जा, हमसे बैग नहीं उठाए जाएंगे, तो बैग उठा के नीचे तक पहुँचा दियो। नीचे से हमने बस में ही जाना नीचे तक, ठीक है घर तक, घर से हमने गाड़ी करनी है, फिर ऊपर तक हम भाव को बुला लेंगे वो उठा लेगा। मम्मी मेरे को बार बार बोलते कि भाई मैं ना मतलब हमारी साइड जो मतलब बड़ा होता है ना वो खुद से जो छोटा होता है उसको भाऊ बोल सकता है, चाहे लड़का हो लड़की भाऊ भाऊ है ना। तो मेरे को भी आदत है बचपन से बोलने की, मतलब अपने भाई को छोटे भाई को भाऊ बोलने की। एंड उसका बेसिकली नाम तो वैसे कुछ और है, बट घर में गाँव में रिश्तेदारों से अभिषेक बोल देते हैं, ठीक है वो कुछ और नाम, बहुत ज़्यादा फनी नाम है भगवान। एक मैं एक मेरा भाई, बड़े नाम ही बड़े मस्त मस्त देख रखे घर वालों ने, भगवान क्या सोच के दिया है। लक्ष्मी गलत नाम है क्या? लक्ष्मी इज क्वाइट नाइस बट स्टिल ठीक है, मतलब ना बोल के तब। और मैं सबसे पहले तुम लोगों को वेदर बताती हूँ, एक साइड तो वाइट वाइट बादल है, दूसरी साइड काले बादल है। रुको ये इतने वाला हिस्से में हो रही है जी बारिश होने वाली है इसका मतलब, और दूसरी साइड ना इतनी मस्त हो रखी है भाई कसम से। ये और ये और यहाँ पे मम्मी मेरे को बड़ी दर्द का नाम मत ले पता क्यों, क्योंकि मेरे आज मैंने व्रत रखा है, ठीक है? और इवन मैं रखती तो बहुत बार पहले भी रखे हैं मैंने, बट इवन सबसे मेन बात पता क्या हुई, मेरे को हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, भूख की वजह से हो रहा होगा आई गेस। और मम्मी बोल रही तो भूख का नाम दर्द का नाम मत ले, मेरे पापा ने मेरे को घूट देना मम्मी को देंगे वो बेसिकली गाली, क्योंकि मम्मी पापा ने मेरे को नहीं किया था पहले व्रत मत रखा तब ये ठीक नहीं होगी, तो बट मैंने फिर भी मान भी कहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, फर्स्ट की चीज़ है तीसरा नहीं है, चलो शादी के बाद मेरा पहला करवा चौथ है ना, तो तब कर गए।
अब मैं तैयार होगी, तुम लोग सोच रहे हो करवा चौथ के दिन इस लड़की ने ना बिंदी लगाई ना सिंदूर लगाया और कैसी बन के रही है, बट मैं इसलिए रही हूँ ये बन के ना क्योंकि मेरे को एक बार ही अच्छे से तैयार होना है, बिल्कुल अच्छे से रेडी वेडी होना है कपड़े लगा के, तो इस चीज़ को इग्नोर मानना ठीक है। गाइज अभी एक बात मेरे को अभी एक फैक्ट पता चला, घर में एक यूट्यूबर होना बहुत गलत बात है भाई। क्यों? मम्मी हर बात में इधर तेरे को एक चीज़ बताती हूँ, रिकॉर्ड कर उसको। जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना ये कुछ ऑरेंज जैसा कुछ है, देखो यहाँ पे ये वाला ये है रथ ग्राउंड, ये इतनी सी बात बताने के लिए मम्मी ने मेरे को बता चुकी मैं इन लोगों को बहुत बार। ये देखो कुल्लू ना भाई दफे बहुत ज्यादा सही है यार, यहाँ से भी व्यू बहुत ज्यादा ऑसम लगता है। मम्मी छोटी छोटी बात पे यार गुस्सा करने लगते हैं, ये पीछे इतना कबाड़ खाना यहाँ देखो मैं यहाँ पर अभी आपको ना हेलो बैक कैमरा कर क्या क्यों नहीं मैंने बताना बाद में क्या था मंदिर बताऊंगी देवते का कौन से देवते का नासिंग देवते का ऑन कर इसको मैं आपको अभी नासिंग देवते का मंदिर दिखाई दे रहा है इन कपड़ों के पीछे से ये देखो दिखाई दे रहा है आपको ना ये है नासिंग देवते का मंदिर और यहाँ से ये देखो सीनरी कैसी है क्या कैमरा क्या दिखाना क्यों नहीं हुआ नहीं मैं यहाँ से देखो ये ऊपर बेखली जाकर रास्ता ये ऊपर पहाड़ी नजर आ रही है आपको ना ये है बेखली यहाँ से बेखली माता मंदिर को जाती है लक्ष्मी का आपको कुछ नहीं दिखाई देता है इस नानी की गाड़ी देखो कितना कुछ दिखाई देने यहाँ से देखो फिर भी मैं आपने जरूर लिखा कैसे लगा आपको लक्ष्मी नानी की घर ये देखो ये सामने वाली है ना जो दार नजर आ रही है आपको यहाँ पर है बिजली महादेव का मंदिर यहाँ पर भी हाँ यहाँ पर मोदी आए हुए थे पीएम मोदी और यहाँ पर ये है यहाँ की सुल्तानपुर की सीनरी कैसे लगा आपको हमारा कुल्लू बताना जरूर आपने ठीक है। अब हम लोग ना तैयार थे रोहित बिना और पीछे इतना ज्यादा कबाड़ी कबाड़ कबाड़ ऊपर से लेकर देखो ठीक है ना कितनी क्यूट है ना एक मम्मी को ना बड़ी बंदर जैसे शक्ल वाले बच्चे भी क्यूट ही लगते हैं सबसे मेन फैक्ट है ये आप उन्हें लगते सुंदर बंदर जैसे बच्चे लोग उसको बोलेंगे क्यूट एक माँ को अपना बच्चा बिल्कुल बुरा नहीं लग सकता कभी नहीं लग सकता भाई शट अप नहीं सच्ची बात है ये तू तो सबकी लड्डू है ना बंदरी है अपने पापा की लड्डू अपनी शाशु की लड्डू सोरे की फिर ये बात तो है बट फिर भी मैं उनकी भी तो बेटी हूँ तब करके ये फैक्ट है ना और कुछ नहीं अपने भाई की जान सब की है। चलो मैं तैयार हूँ बाकी करवा चौथ की स्टोरी बताती हूँ नहीं तो हमारा ब्लॉग ना कहीं से कहीं और चला जाएगा ठीक है। मैं बस तैयार हो गई हूँ ठीक है और घर जाने के लिए रोहित भी आ गया था और रोहित ब्लॉग जब ऑन करती हूँ ना तो हेलो कर दिया कर शर्म कर थोड़ी एक ठीक है मैं एक चीज पूछती हूँ वाला उर जैसे है ना देखना मैं जब तेरे को तू तू बोलते को मारा लगता है बुरा लगता है तेरे को नहीं लगता अच्छा है क्या चलेगा क्या दौड़ेगा जबरदस्ती थोड़ी बोल रहा है जबरदस्ती बोल कुछ सच्ची में बोला एक्सप्लेन करना चाहिए हर बात को अच्छे से दौड़ेगा चलेगा क्या मतलब होता है हम दोनों में चलता है इसलिए मैं बोलती हूँ उसको ठीक है ये भी मेरे को बोलता है और मैं भी इसको बोलती हूँ बस इतनी सी बात है सो डोंट क्रिएट अ मेस। मम्मी भी अंदर तैयार हो रहे हैं और बाहो मेरे पीछे वाली साइड में तो बादल हो गए काले भाई बारिश होने वाली है मेरे ख्याल से मेरी सारी ड्रेस का भरता गोल होने वाला है गैस तो बता दी मैं मेरी ड्रेस नीचे करना फोन यार ये इसके नीचे मैंने बाय द वे दूसरे कपड़े का पहने ये सूटना इसका प्लाजो नहीं बस ऊपर ऊपर से लगाया अभी तो ओह एक गुड न्यूज़ बताती हूँ मम्मी ने बोला ये सूट मम्मी को ढीला हो गया इसका मतलब मम्मी पतली हो चुके हैं हमारे ये ग्रेट सक्सेस और इतना मेरे पैरों में मेहंदी लगा के नेल पेंट लगा के दे रहा सॉरी ये मेरे को अभी चेंज करना रह गया
सुन रहे हैं चेंज करने को। ये भाई अच्छा लग रहा, बहुत ज़्यादा सही लग रहा कसम से। अभी हम लोगों ने अच्छे से फ़ोटो शूट किया, पहले अच्छे से बड़े पोज बना बना के भाई, टाइमर लगा लगा के, जिसने भी टाइमर फ़ोन में सेट किया ना, बड़ी अच्छी काम किया भाई, बहुत ज़्यादा। और व्यू ना पीछे बड़ा और सुंदर था इस टाइम, दिख नहीं रहा है क्यों, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है ये तो। तभी अभी रूम में आई तो भाई देख लो मम्मी कितने ज़्यादा सुंदर लग रही है, इधर देख नहीं सर को यार मम्मी माँ कसम मैं कपड़े कैसे सिली मम्मी, ये चुपचाप बहन के रखा मम्मी मेरे ऊपर इतना टॉर्चर कर रही है, मैं क्या करूँ मेरे को डंडा लग रहा है सूट लगाने को, मेरी गांव वालों देख लो यार मैं ये ड्रेस जस्ट अभी अभी निकले थे घर से बाहर, मतलब घर को वापस जाने के लिए, बट बारिश होगी, बारिश इतनी ज्यादा जोरों से जैसे हमने कदम बाहर, बारिश बोल रही भाई की तुम मत जाओ। निकल पड़े अब जाने में राज्य के भेड़े में, क्योंकि राज्य के भेड़े वहाँ के निकलेंगे हम सीधे शिव जी के मंदिर, मम्मी को जाना वहाँ पर स्वागी चढ़ाने काली माता के मंदिर में भी। यार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना मेरे को, मैंने इवन सूट लगाना था पर मम्मी के चक्कर में को हाफ सीट लगाना पड़ा, ऊपर से बारिश हो रही, ठंड लग रही है, और एक पर्स भी मेरे को डालना पड़ रहा है शादी करके भाई, बड़े से आप पैंट कमीज में डालनी थी बट क्या करें भाई, तो बोलो मैं शादी करके करना पड़ता भाई, ये ओवर एवरीथिंग ओवर, सब कुछ ओवर करना पड़ेगा तुम लोगों को, मेकअप ओवर, ड्रेस ओवर, पर्स ओवर। ये रहा मेरे ठीक पीछे राजा का महल, ये वो रहते हैं ना यहाँ पे, बट स्टिल है चलो तो। मंदिर में बस में बैठा और पूरी बस में कोई भी नहीं है अभी, और जहाँ तो वैसे एक और करने का भी रही है यहाँ पे, बट हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें सीटें बिल्कुल बुक हो गई है, तब करके नहीं जा रहे हम। और मम्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं, रोहित अभी गया के लिए कुछ पीने के लिए लाने के लिए, मैं भी वेट कर रही हूँ जस्ट उसका, मेरे को थोड़ा ठीक लगा कि ये वाली बस ना थोड़ी सही है, मतलब गर्म से है तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कपड़े लगाने की। और हम मिलती हूँ मैं तुम लोगों से सीधा घर पहुँच के, बीच में शायद ही मिल हो जाए थोड़ा मतलब, बट स्टिल मैं घर आके मिलूँगी तुम लोगों से, तब तक के लिए वेट फॉर माई फर्स्ट करवा चौथ। आई नो तुम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे मेरी तरह, बट घर पहुँच तक मेरी बैटरी लो हो जाएगी, आई नो वेरी वेल बट स्टिल ओके। लोग ना अभी जस्ट जस्ट पहुंचे हैं कुल्लू से घर में, और अभी तक चांद भी नहीं निकला है, थक गए बहुत ज्यादा, सोच रहा हूँ चांद कब निकलेगा, भूख आ रही है, भूख आ रही है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जिस दिन व्रत होता ना उस दिन मन करता कि क्या जैसा खाना था भाई, ये भी खा लेना वो भी खा लेना सब कुछ। अभी ना खाना वगैरह बन गया, मतलब थोड़ा थोड़ा सा, और मैगी ऊपर दीप्ति के कमरे में करवा चौथ वाली किताब पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद व्रत तो अभी टूटेगा बाद में, पर किताब पढ़ लूँगी क्योंकि मेरा पहला करवा चौथ है इसलिए मैं किताब नहीं। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी 8 बजे जस्ट, अभी 9-10 बजे आएगा आई गेस चांद। मेरा मन कर रहा है कि मैं कपड़े चेंज करती हूँ फिर, क्योंकि मेरी पूजा तो हो गई और मतलब वो पढ़ ली कहानी, तो मैं अब आराम से सो जाती हूँ 9 बजे तक, फिर उसके बाद उठ के पूजा कर लूँगी क्योंकि मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, थक गई हूँ एक्चुअली। चांद निकल गया वहाँ पे फाइनली, और मैं तौलिया के साथ आज व्रत उतारने वाली हूँ, फर्स्ट करवा चौथ याद रहेगा। यहाँ पर रोहित दिख नहीं रहा है, पर रात के 9:52 हो गया, और अभी इस टाइम में चांद निकला था, याद रहेगा कि 9:52 पे मैंने व्रत तोड़ा। पहले चांद को देख,
पूजा करो मेरे ऐसे नहीं चांदनी से दिखती है चांदनी से दिख दिखा मम्मी शक्ल देख अब इसको देख हाँ अब सूरज को रख दे पहले पूजा कर चांद को कर पूजा कर चांद की पहले पानी भी ज्यादा दे ऊपर को कर फूल भी ज्यादा लड्डू पेड़े भी खिला दे वो पानी भी दे रोटी खाते टाइम देखो चेहरे में घटी है रोशनी निके तेने पैर छुए और पैर छूते जैसे सिर पानी पिलाते है क्या ये देखो खुद दिख रहा है रुक नहीं रहा है ये देखो अब पहले सरगे में पानी पा नीचे ऐसे करके पा ऐसे नहीं ऐसे करके अब फूल फूल वगैरह भी डाल फूल वगैरह इसमें भी डाल इसमें भी डाल अब पूजा कर हो गया अभी अभी हम लोग खाना वगैरह खा के हो गया फ्री और अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं और ये आज का ब्लॉग करती मैं एंड आई होप यू एंजॉय द ब्लॉग और ये करवा चौथ रहेगा मेरे को हमेशा के हमेशा याद और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल बाय बाय